नाम में क्या रखा है ये कभी कभी एहसास होता है, नाम का पता नहीं भी हो तो भी काम चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत घुल मिल जाते हैं, बातचीत होती है और आखिरी तक नाम का पता नहीं होता है, और जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तब लगता है नाम तो पूछा ही नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है मुझे, तो नाम से मैं ज्यादा परिचित नहीं हूं, लेकिन जितना परिचय होना चाहिए उससे ज्यादा परिचय मुझे मिल चुका है। जब मैं 1 साल का था तब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी, 1961। अब इससे बड़ा परिचय क्या हो सकता है कि मैंने होश संभाला, उन्होंने बच्चों को संभालना शुरू कर दिया, एक नई पीढ़ी को शिक्षा देते देते 40 साल से अधिक। आज की तारीख में धाना में कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां कोई ना कोई इनका शिष्य न रहा हो। इसी बात से आप समझ सकते हैं इनका नाम क्या होगा। इनका नाम बस एक है और वो है शिक्षक। 40 वर्षों तक कई पीढ़ियों को शिक्षित करते करते ये उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचे हैं जहां हम सोच नहीं सकते कि हम आगे क्या करें। ये आज भी मार्गदर्शन दे रहे हैं और हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने, हमें प्रेरित करने के लिए। काफी कड़ी धूप है उसमें भी वो यहां आए। शिक्षक बूढ़ा नहीं होता, शिक्षक की उम्र नहीं बढ़ती, शिक्षक बस परिपक्व होता है। आप सब शिक्षक हैं जो सामने बैठे हैं, हमारी बाई और सारे छात्र हैं। हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हमें जिंदगी से रूबरू कराती है। यहां 2 शिक्षक ऐसे हैं जिनसे आप परिचित हैं, ये विद्यालय परिचित है, विद्यालय के भवन परिचित हैं, वो विद्यालय से परिचित हैं क्योंकि वो यहां रह करके अपना योगदान यहां के बच्चों को विकसित करने में दे चुके हैं। कहते हैं कि हाथ की 5 उंगलियां मिल जाए तो हाथ में इतनी ताकत आ जाती है कि वो सीमेंट से बने दीवार में भी प्रहार अगर करे तो दीवार टूट सकता है। अगर 5 तत्व मिल जाए तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है, और अगर 5 ऐसे शिक्षक हमारे बीच हो तो समझ सकते हैं हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज आप 5ों के आने के बाद हमें यह एहसास हो रहा है कि कितना कुछ आप हमें देते रहते हैं। जब आप सेवा में होते हैं, जब आप सेवा से मुक्त होते हैं, फिर भी आपका होना यही बहुत बड़ी नेमत है आज की पीढ़ी के लिए। आप चुपचाप बैठे रहें तो एहसास होता है कि गुरु ब्रह्मा बैठे हैं। आप कुछ बोले तो एहसास होता है कि शिव का उपदेश सुनने में आ रहा है। आप अगर आदेश दें तो लगता है साक्षात विष्णु हमसे कोई कार्य करने को प्रेरित हमें कर रहे हैं। यही शिक्षक होता है, इसलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो।
परमेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने समाज को जो दिया है, आपने इस पीढ़ी को जो दिया है, हम आपके आभारी हैं, क्योंकि आपने जो कार्य छोड़ा है हम उस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारी प्रजाति एक है, हम आपसे सीख करके आपके नक्शे कदम पे चल के अपने बच्चों को कुछ देने का कोशिश करेंगे। आप हमारे विद्यालय में आए ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमने आपको सम्मानित नहीं किया, आज हमने अपने आप को सम्मानित किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।